ACN24। राजनांदगांव के इंटरनेशनल हॉकी मैदान में 27 दिसंबर 2018 से 77वीं राजा सर्वेश्वर दास नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, जिसमें देश भर के 22 नामी टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें BPCA ने सेंट्रल रेलवे मुंबई को 9 गोल से पराजित किया। वहीं टूर्नामेंट के समापन में पहुंची महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। राजनांदगांव के इंटरनेशनल हॉकी में 27 दिसंबर 2018 से 77वीं राजा सर्वेश्वर दास नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, जिसमें देश भर के 22 नामी टीमों ने शिरकत की, जिसके साथ ही इस टूर्नामेंट का रंगारंग समापन हुआ, जिसमें प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने शिरकत की। इस समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री नहीं आ सके। हॉकी के इस फाइनल मैच में BPCL और सेंट्रल रेलवे मुंबई के बीच खिताबी भिड़ंत हुई, जिसमें BPCA ने सेंट्रल रेलवे मुंबई को 9 गोलों से पराजित किया और सेंट्रल रेलवे एक भी गोल नहीं दाग पाई। वहीं महिला हॉकी टीम में इंडियन रेलवे नई दिल्ली ने CRPF को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। 77वीं राजा सर्वेश्वर दास नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का हॉकी मैचों का आयोजन किया गया था। वहीं स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हॉकी खेल प्रेमियों ने मैच का भरपूर आनंद उठाया। वहीं मंत्री ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई भी दी। बहुत बढ़िया है, राजनांदगांव जिला का वह हमेशा से प्रयास रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के नाम से राजनांदगांव जिला जाने जाते हैं ये शहर, और जो मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए हैं वो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उनकी जो मांग है वो पूरी हो। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट ACN20।